रायबरेली यूपी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के जन्मदिवस पर शुरू किए गए स्वच्छता पखवाड़ा का आज जीआईसी स्कूल में समापन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर कहार, अपर जिला जज ने छात्राओं को स्वच्छता का संदेश दिया है। इससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से विधिक जागरूकता रैली निकाली गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर कहार ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया था। उसका उद्देश्य लोगों में साफ सफाई को लेकर जागरूक करना है। 7 दिनों तक चले इस अभियान में अलग अलग विद्यालय जाकर छात्रों को स्वच्छता का संदेश देकर साफ सफाई के फायदे बताए गए। क्या नाम बताया? गाड़ी अभिषेक कुमार। आज कौन आया, क्या हुआ, क्या जानकारी? आज हमारे कॉलेज में अपर जिला जज साहब आए, हमारे कॉलेज से रैली निकलवाई गई सफाई कार्य के दौरान, और कॉलेज में साफ सफाई भी करवाई गई, और इसी प्रकार जिला विधिक परिषद द्वारा साफ सफाई करवाई गई और रैली का समापन हुआ। बताया गया क्या सफाई? आज यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली द्वारा एक स्वच्छता अभियान चल रहा था, उसका समापन समारोह हो रहा है, और यहाँ पे सुबह जो है एनसीसी के बच्चों द्वारा जो है रैली निकाली गई, सड़कों पर झाड़ू से साफ सफाई की गई, स्कूल में सफाई कराई गई। संदेश ये दिया गया कि स्वच्छता ही जीवन है, और उसका समापन माननीय उमाशंकर कहार जी अपर जिला जज द्वारा जो है समापन किया गया है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तरुण सक्सेना जी के दिशा निर्देशन में दिनांक 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वच्छता जागरूकता सप्ताह का कार्यक्रम विभिन्न तहसीलों में, नगर के विभिन्न क्षेत्रों में, नगर के महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।